हेलो फ्रेंड्स आज हम स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज का प्रोविजन देखने वाले हैं सेक्शन 248 के तहत स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनी होती क्या है मतलब क्या होता है देखिए कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आती है माना जाता है जब कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में एंटर कर दिया जाता है जो कि रजिस्ट्रार मेंटेन करता है आर और उसको एक सी ओ इश्यू कर दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो उसी प्रकार कंपनी कब एग्जिस्टेंस में नहीं है माना जाएगा जब कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दिया जाएगा दैट इज़ मेंटेन बाय आर तो मैनर ऑफ़ स्ट्राइकिंग ऑफ कैसे हो सकती है ठीक है तो कंपनी खुद स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर सकती है अगर कंपनी अपना बिजनेस ऑन कैरी नहीं करना चाहती है या फिर आर भी डायरेक्ट कर सकता है फॉर सच स्ट्राइकिंग ऑफ अगर आर डायरेक्ट करता है तो सबसेक्शन वन में वो चीज़ कवर होगी और अगर कंपनी खुद वॉल्ट्री अप्लाई करी है स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए तो सबसेक्शन टू में कवर अप होगा इस वीडियो में हम सबसेक्शन टू की बात करेंगे जहाँ पे कंपनी जो है वॉलेंट्री अप्लाई करिए स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए उसका पूरा प्रोसेस हम देखते हैं तो देखिए कंपनी अगर वॉल्ट्री अप्लाई कर रही है तो सबसे पहले उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या फिर कंसर्ट लेना पड़ेगा सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पीडक कैपिटल उसके बाद कोई भी कंसर्न ऑथॉरिटी अगर कंपनी उस कंपनी किसी कंसर्न अथॉरिटी के अंदर फॉल हो रही है तो उनकी अप्रूवल भी लेना पड़ेगा लाइक अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की कोई बैंकिंग या एन बी हैं तो वो आर के अंदर फॉल हो रही है तो उनकी अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड एस्टिंग्विशिंग ऑफ ऑल इट्स लाइब्रिटीज कंपनी को अपनी सारी लाइब्रिलिटीज़ जो है वो खत्म करना पड़ेगा जब कंपनी ये सारे काम कर देगी उसके बाद फिर कंपनी आर ओ सी को अप्लाई करेगी फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर एस टी के टू एस टी के टू जाएगा उसके साथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जाएंगे एक इंडेमिनिटी बॉन्ड जाएगा इन फॉर्म नंबर एस टी के थ्री इनडेमिनिटी बॉन्ड क्या होता है एक बॉन्ड होता है जिसके द्वारा एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि कल को उस इवेंट के कारण अगर उस दूसरे पर्सन को कोई लॉस हो जाता है तो सामने वाला पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है वो इंडेम्निफाई करेगा उस लॉस को तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के बिहाफ में जो है वो प्रॉमिस करेंगे इंडेम्निटी बॉन्ड के द्वारा कि अगर कंपनी के बंद होने से कल को किसी को लॉस होता है सो दे विल इंडेम्निफाई दैट ठीक है एस टी में रहेगा ये एंड एस टी के फोर में एक एफिडेविट दिया जाएगा सभी डायरेक्टर्स के द्वारा बेसिकली uh, ये दोनों पॉइंट जो है वो एक प्रॉमिस स्टैब्लिश करने के लिए एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ एफिडेविट वो इस चीज़ का देंगे कि ये जो स्ट्राइकिंग ऑफ हो रहा है हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट के द्वारा दैट इज एफिडेविट के द्वारा कि ये जो स्ट्राइकिंग ऑफ है ये लॉ के हिसाब से ही हम कर रहे हैं कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एंड कंसर्ट हम अटैच करेंगे रेजोल्यूशन जो बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी कॉपी हम अटैच करेंगे एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ड्यूली सर्टिफाइड बाई चार्टेड अकाउंटेंट इन फॉर्म नंबर एस डी इसको हम अटैच करेंगे बट ये जो रहना ये रहना चाहिए तीस जिस भी दिन हम एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके लास्ट तीन तीस दिन के अंदर का ही होना चाहिए उससे पुराना नहीं होना चाहिए एंड एक हम एक्नॉलेजमेंट लगाएंगे लास्ट आई टी आर फाइल का ओके okay. जैसे ही आर ओ सी को ये नोटिस मिलेगी तो आर ओ सी पब्लिक की अवेयरनेस के लिए इस चीज़ को जो है पब्लिश करेगी कहाँ कहाँ पब्लिश करेगी ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश करेगी एक लोकल न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ पर इस चीज़ को पब्लिश करेगी जिस फॉर्मेट में वो पब्लिश करेगी वो फॉर्मेट रहेगा एस टी के सिक्स का ठीक है कि भैया ये कंपनी जो है स्ट्राइकिंग ऑफ में जा रही है अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं तीस दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ सच पब्लिकेशन अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो फिर आर ओ सी जो है स्ट्राइकिंग ऑफ कर देगी और एस टी के सेवन में कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगी वो ठीक है उस उस एस टी के सेवन इशू करके स्ट्राइक ऑफ कर देगी लॉ में ये भी बात बताई गई है कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं है वॉल्ट्री स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं है अंडर सेक्शन टू फोर्टी एट सबसेक्शन टू तो पहला अगर कोई कंपनी ने अपना नाम या रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज किया है लास्ट तीन महीनों में वो नहीं कर सकती या कंपनी ने अपनी कोई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या राइट्स को डिस्पोज ऑफ किया है इमीजिएटली बिफोर द सीजर ऑफ ट्रेड और बिजनेस या फिर कोई कंपनी कोई भी एक्टिविटी में एंगेज है एक्सेप्ट दैट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर दैट सेक्शन कुछ और एक्टिविटी कर रही है वो भी नहीं कर सकती या फिर कंपनी ने ट्राइब्यूनल को कोई एप्लीकेशन किया है फॉर सेंशनिंग ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एंड फाइनली वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुई है पेंडिंग है तो वो कंपनी भी नहीं कर सकती है या फिर अगर कंपनी जो है वो बाउंड अप हो रही है वॉलेंट्री या फिर ट्राइब्यूनल के डायरेक्शन के तहत वो वाउंड अप हो रही है अंडर आई बी सी चैप्टर ट्वेंटी या तो वॉलेंट्री uh, अप हो रही है या फिर ट्राइब्यूनल के अंदर हो रही है अंडर uh, और अंडर आई बी सी वो अगर हो रही है तो वापस से मैं इसको रिपीट करती हूँ या तो वो अप हो रही है अंडर चैप्टर ट्वेंटी वॉलन्ट्री हो रही है ट्राइब्यूनल के डायरेक्शन से हो रही है ठीक है ये कंपनी लॉ के तहत या फिर अंडर आई बी सी वो हो रही है तो वो कंपनी भी जो है वॉल्ट्री वाइंडिंग अप के लिए नहीं जा सकता वॉल्ट्री स्ट्राइक ऑफ के लिए नहीं जा सकती है सो दिस वॉज बेसिकली ऑल द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू वॉलेंट्री स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन टू फोर्टी एट सबसेक्शन टू